नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, नए टॉपिक पे बात करेंगे। काफी टाइम से आपके कुछ कमेंट मेरे पास आए पड़े थे, मैंने शॉर्ट लिस्ट कर नहीं पाया क्योंकि टाइम इतना नहीं मिल पाता है। अभी 5-7 दिन से मैं प्रोसेस कर रहा था, कुछ शॉर्ट लिस्ट मैंने कमेंट किए हैं मिक्स में, अलग अलग कंट्री पे नहीं डाले क्योंकि मिक्सिंग में थे, थोड़े ज्यादा कमेंट नहीं लिए, कुछ कमेंट लिए तो 2-3 वीडियो के माध्यम से मैं आपने जो क्वेश्चन कमेंट में किए थे उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो के माध्यम से आंसर मैं देता हूं तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के सेम क्वेश्चन होते हैं, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा सब लोगों को ये बेनिफिट हो सके। अगर मैं क्वेश्चन आपने जैसे कमेंट किया, मैंने आपको आंसर दिया, तो वो आपको सिंगल टाइम बंदे को ये आंसर मिल पाएगा। अगर वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा तो सभी लोगों को वो सेम क्वेश्चन होते हैं, समझ गए, तो सबको ये फायदा मिल। अभी आज अपन बात करेंगे, आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए तो मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है, लक्की ने, ब्रदर क्या कुवैत की करेंसी 235 है $1 तो दुबई से बेस्ट है? भाई देखिए कि कुवैत की करेंसी, देखिए सिस्टम समझ लीजिए आप थोड़ा सा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता, कमेंट करना इजी होता है आपके लिए। मान लीजिए कि 235 कुवैत का $1, दिनार नहीं है, दिनार है, डॉलर नहीं है, एक दिनार का इंडियन रुपीज 235 होता है, समझ गए। लेकिन आप अगर सिस्टम देखोगे तो गल्फ की सेम करेंसी मिलेगी। अगर आप कुवैत जा रहे हो तो आपको 100 दिनार महीने की मिलेगी, अगर आप दुबई जा रहे हो तो आपको 1000 दिनार मिलेगी। तो बात तो कैलकुलेशन तो वहीं पहुंचनी है, वहां 100 दिनार मिलेगी कुवैत में, दुबई में आपको 1000 दराम मिलेगी। तो सिस्टम वही है, कोई फर्क नहीं है दुबई में, गल्फ में, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, कहीं चले जाओ, सैलरी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, कई कंपनियां सैलरी ज्यादा दे देती हैं, वो एक अलग इश्यू होता है। प्रशांत आथानी बोलते हैं, अशोक जी आप एक रिक्रूटेड एजेंट बनके काम कर लो ताकि लोग 500 देने में हिचकिचाए नहीं। भाई ने कमेंट किया है तो मैं आंसर आपको दे दूं कि भाई देखिए, ये सिस्टम एजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एजेंट एक आदमी में 15-20 धार का टारगेट रखते हैं। आप सब लोगों को पता है, अगर आप किसी एजेंट के पास अप्लाई करते हो तो 15-20 हजार रुपये उसका कमीशन होता है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। और मैं अगर 500 रुपये लेके, एजेंटी वाला सिस्टम ही नहीं है यार, मैं 20 हजार रुपये कब, आप 200 लोग हो गए, 100 लोग होंगे तब मुझे मिल पाएंगे यार, तो ऐसा संभव नहीं है। नहीं, मैं इस चीज़ में पढ़ना चाहता, मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं 500 रुपये में ही फीस में संतुष्ट हूँ, मुझे 20 हजार रुपये नहीं चाहिए, ठीक है भाई। MR थापा बोलते हैं, सर जी दुबई में सिक्योरिटी गार्ड जॉब के लिए ही पढ़ा लिखा होना जरूरी है क्या, कम एजुकेटेड नहीं जा सकते? भाई देखिए मैं बता दूं, सिक्योरिटी गार्ड में पढ़ा लिखा बंदा कम से कम 10वीं 12वीं होना जरूरी है, और उसको नॉर्मल इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। क्योंकि आप मान लीजिए गेट के आगे खड़े हो, सिक्योरिटी गार्ड लगभग गेट के आगे उनकी ड्यूटी होती है, तो कोई भी बंदा आता है तो सबसे पहले आपसे पूछताछ करेगा। मान लीजिए आप बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके नीचे आप खड़े हो, ऑफिस के आगे खड़े हो, तो आपको सवाल पूछेगा फलाना कहाँ है, उसका ऑफिस किधर है, BM सर किधर बैठते हैं, HR किधर बैठते हैं, मतलब जो भी उस टाइप का ऑफिस है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे होगा। अगर वहां पे आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप उनको समझ नहीं पाते, आप उनका आंसर नहीं दे पाते, तो आप गार्ड का जॉब कैसे कर पाओगे? तो बिल्कुल इंग्लिश मस्ट है अगर आप सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करना चाहते हैं। बाकी सच्चाई ये है कि सिक्योरिटी गार्ड के नाम से लूट बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप लोगों को भी ऐसे जॉब चाहिए जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन जॉब आपको गार्ड का चाहिए, जॉब आपको ऑफिस का चाहिए, जॉब आपको ये चाहिए वो चाहिए, तो भैया फिर एजेंटों को भी पता है कि आप किस तरह से आपके साथ ट्रीट करेंगे, तो आप उनको पैसा दोगे, समझ गए बात को। जसु मंडाल बोलते हैं, क्या इलीगल पीपल वीजा अप्लाई कर सकते हैं मलेशिया से? तो भाई इलीगल पीपल मलेशिया में वीजा अप्लाई तो देखो लीगल तरीके से तो है नहीं, सेटिंग से कुछ थोड़े बहुत कोई वीजा लग जाता है, उसके चांस लकी हैं तो लग जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जनवरी में कोई अपडेट आएगा तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा, अभी कोई न्यूज उसका है नहीं। MD सबीर बोलते हैं, राइट सर, मैं 700 प्लस 200 में सऊदी गया था, ठीक है, 700 प्लस 200 में सऊदी गया था, लेकिन 2 साल में बहुत मेहनत किया और मैकेनिकल सुपरवाइजर बन गया, आज मेरी सैलरी 4000 प्लस 350 SR है, मेहनत करने से सैलरी बढ़ती है। ये उन लोगों के लिए मुंह पे थप्पड़ है जो बोलते हैं ना कि गल्फ में तनख्वाह नहीं है, गल्फ में ये नहीं है, गल्फ में जाना नहीं चाहिए, यहाँ तो कुछ नहीं बचता, यहाँ तो 700 बचते हैं, 800 बचते हैं। भाई मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करोगे ना तो घर में जो जिस माँ बाप ने आपको जन्म दे के इधर बड़े पाल पोस के 25-20 साल का किया ना, उनको भी आपको घर से बाहर निकालना पड़ेगा जब तक आप नहीं कमाओगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। तो ये एग्जाम्पल आपके साथ सामने है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी डालूंगा, आप देख लीजिएगा
कि ये उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ है जो बोलते हैं कि दुबई में कमाई नहीं है, सऊदी में नहीं है, गल्फ में तो कुछ नहीं बचता, यहाँ मत आओ, ये मत आओ, जबकि सब सच्चाई ये है कि आपकी गल्फ से ही पार पड़नी है, यूरोप के चक्कर में तो बर्बाद हो जाना है आपको, समझ गए आपको। विश्वानंद कुमार बोलते हैं सर वीजा दूसरे देश में रिन्यू हो सकता है क्या? भाई वीजा ही दूसरे देश में होता है रिन्यू, इंडिया में तो नहीं होगा ना। आप दुबई में रह रहे हो, आप अमेरिका रह रहे हो, आप कोई भी कंट्री रह रहे हो, आप गल्फ में कुवैत रह रहे हो, तो वीजा तो वहीं रिन्यू होगा। आप इंडिया आके वीजा रिन्यू नहीं करवा सकते, वहीं का वीजा वहीं रिन्यू होता है, सेम देश का सेम देश में। ये नहीं कि आप दुबई का वीजा कुवैत में आप रिन्यू करवा लोगे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। सागर गौरव बोलते हैं अशोक जी दुबई में एयरटेल का नंबर चलता है क्या? नहीं बताएं प्लीज। भाई दुबई में बिल्कुल एयरटेल का नंबर चलता है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि आपको 8-8.5 हज़ार महीने का रिचार्ज करवाना पड़ेगा, जिसको रोमिंग प्लान बोलते हैं। अगर वो आपकी हिम्मत है करवाने की 8-9 हज़ार रुपये महीना खर्च करने की, तो बिल्कुल जो इंडिया में जो सेम प्लान है वो का वो आपको वहां मिल जाएगा। ये प्लान बिजनेसमैन के लिए बेस्ट होता है, जो वहां भी रहते हैं यहाँ भी रहते हैं उनके लिए बेस्ट होता है, ताकि उनको कोई फर्क नहीं पड़े 8-9 हज़ार रुपये महीने का पे करते हैं। जैसे वोडाफोन में 7-7.5 हज़ार का रिचार्ज होता है, उसमें आप इंडियन जो इंडियन आपको मिल रहा है ना, जैसे 350-400-500 में मिलता है, वो का वो प्लान आपको 8 हज़ार में वहां मिल जाएगा 1 महीने के लिए, ठीक है। प्रदीप इंदौरा बोलते हैं सर दुबई एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन क्या पूछती है प्लीज बताइए। भाई इमिग्रेशन दुबई एयरपोर्ट पे कुछ नहीं पूछेगी, दुबई इज द बेस्ट कंट्री यार। दुबई में तो आंख बंद करके जाओ, कोई पूछने वाला ही नहीं है आपको, चाहे आप विजिट में जा रहे हो, चाहे आप परमिट में जा रहे हो, चाहे आप कितने भी चक्कर लगा लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप इलीगल हो गए, जब देश छोड़ोगे तब एक साथ चूक लेंगे वो, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं पूछते, नॉर्मली पूछते हैं कहाँ जा रहे हो विजिट में, तो आप एड्रेस बता सकते हो कि वहां जा रहा हूँ, बस इतनी सी पूछताछ हो सकती है, बाकी ये भी नहीं होती, ठीक है। देवेंद्र कुमार सक्या बोलते हैं अब्रॉड से इंडिया पैसे भेजने के टिप्स बताएं सर, अब्रॉड से इंडिया भेजने के टिप्स बताएं सर। NRI अकाउंट ओपन करवाना कंपलसरी है क्या? मेरा सेविंग अकाउंट इंडिया में तो है, उसको क्या करूं, कृपया सुझाव दीजिए। देखिए भाई मैं बता दूं कि अगर आप बाहर रहते हैं, बाहर से पैसा मंगवाना चाहते हैं, NIR अकाउंट खुलवाना कोई जरूरी नहीं है, आप मनी एक्सचेंज से भेज सकते हैं। आप वहाँ आपके पास अकाउंट नंबर यहाँ का वहाँ पर भी है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट इंडिया में आप जमा करवा सकते हैं, या फिर आप भैया और भी बहुत सारे हुंडी से भी, लोग हमारे राजस्थान में ज़्यादातर पैसा हुंडी से आता है, तो आप हुंडी से भी भेज सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। और मैं इस सबसे बेस्ट मनी वो वेस्टर्न यूनियन वाला है ना मनी ट्रांसफर, वो सही है, उससे आप भेज सकते हैं, वो बेस्ट है। उधर से पैसा लगाओ, 10 डिजिट आपको देंगे, इधर जिस ID के नाम से लगाया उसको नंबर बता दो, पैसा ले लो, बात खत्म, एकदम ईजी है, कोई हार्डली नहीं पड़ेगा। तो साथियों ये आप कुछ लोगों के कुछ कमेंट थे मैंने आंसर वीडियो के माध्यम से दिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, आपका भी कोई कमेंट कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो के माध्यम से आंसर देने की कोशिश करूंगा। लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज नए टॉपिक पे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे, ठीक है साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।